नूह में जारी बुलडोजर एक्शन को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां चौथे दिन अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर। प्रशासन ने अब सहारा होटल को गिरा दिया है। ये तस्वीरें भी आपको लगातार जारी इस बुलडोजर एक्शन की दिखा रहे हैं, जहां जगह जगह फिलहाल अतिक्रमण किया जा रहा है और लगातार चौथे दिन अवैध अतिक्रमण को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां प्रशासन ने अब सहारा होटल को गिरा दिया है। नल्हड़ मंदिर जाने के दौरान जिस छत से पत्थर चले थे, उसी छत से अब TV9 रिपोर्टर अंशुमन यादव ने यह रिपोर्ट भेजी है, देखिए। 31 जुलाई को नल्हड़ मंदिर से जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई और उस शोभा यात्रा पर उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी की गई और उसके बाद लगातार बवाल बढ़ता चला गया। जो पत्थरबाजी हुई थी वो इसी रास्ते से, यानी कि नल्हड़ नूह रास्ते से हुई थी, और उस वक्त जिस समय ये पत्थरबाजी हो रही थी उस वक्त उस छत पर मैं मौजूद हूँ जहाँ से ये पत्थरबाजी हुई थी। आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में कि किस तरीके से एक छत पर तमाम पत्थर इकट्ठे किए गए थे उपद्रवियों द्वारा। यहाँ पर ईंटों का एक चट्टान पूरा आपको नज़र आएगा, यहाँ पर ईंटों की चट्टान को लगाया गया था, जिसका इस्तेमाल 31 जुलाई को हुए बवाल के दौरान किया गया था। ये बवाल इस कदर बड़ा कि लगातार वो सोना और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता चला गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से बवाल हुआ था उस बवाल के बाद उपद्रवियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, तो कार्रवाई आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। जिन उपद्रवियों ने लगातार बवाल किया, गाड़ियों को जलाया, सड़क पर आप देख सकते हैं बहुत से निशान अभी भी आपको दिखाई दे जाएंगे, जहां पर हजारों की संख्या में जो वाहन थे उनमें गाड़ियों में आग लगा दी गई। और अब उसका अंजाम यह है कि जो सामने घर आपको नज़र आ रहा है वहां से भी उपद्रवियों द्वारा पत्थर को फेंका गया था। शोभा यात्रा के दौरान लोगों को जख्मी किया गया था और उस घर को अब नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, यानी कि बड़ी JCB से उसको तोड़ा जा रहा है। मैं इस वक्त उसी छत पर मौजूद हूं और इसके ठीक पीछे आई केयर हॉस्पिटल है, वहां पर मौजूद एक शख्स हैं जो उस वक्त जिस समय ये घटना घटी थी वो वहीं मौजूद थे। ये बताइए उस दिन क्या घटना घटी थी? हम लोग नीचे पेशेंट देख रहे थे, तो उस टाइम हम पेशेंट देख रहे थे, हमारे कुछ अटेंडेंस थे, पेशेंट भी थे नीचे एडमिट, तो एकदम पीछे से गुड़ो आने लगी, तो फिर हम उससे तुरंत बाहर निकल कर भागे कि भाई क्या हो रहा बाहर। ये जब बाहर निकल कर आए तो हम लोगों ने देखा कि भाई काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी, तो फिर हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया था कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने झगड़ा कर दिया है, आप यहाँ पे आइए। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम अभी जाम में फंसे हुए हैं, हम जल्दी यहाँ पर पहुँचेंगे। बस ये कुछ हुआ था, उसके बाद भी हम तो अपने अंदर से नहीं निकले थे। ये बताइए आपके बगल में ये छत है तो यहाँ पर भी लोग इकट्ठे हो गए थे? हम निकले ही नहीं बाहर, हम अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकले। आपने छत पे आकर देखा था? उस टाइम नहीं देखा था, बाद में हम लोग आए थे जब शांत हो गया, तो जब सब कुछ देखा था हमने उसके बाद जब झगड़ा हुआ था गिरा ही थी इधर उधर से, तो हम लोग इसलिए नहीं आ पाए कि भी हमारे ही अपने लग जाए। ये जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे छत पर, तो ये अमूमन ये छत पे ऐसे रहते थे या उस दिन ही हुए हैं? कुछ तो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, कुछ इधर उधर से आई थी इस पे, क्योंकि जो इस अभी नई बिल्डिंग बनी है इसमें पहले से ही थे कुछ, तो कुछ इधर उधर से जब पड़ा हुआ था इधर आर लगे, तो जैसे शीशे उसे फूटे हैं, तो मुनासिब सी बात है कि बाहर से भी आए हुए हैं इनमें कुछ पहले थे तो कुछ बाहर से भी आए हैं।